नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा, प्रस्तावित बड़काथल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का कार्यक्रम है। दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे सीएम योगी, त्रिपुरा से बावतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम, सर्किट हाउस में विकास कार्य कानून व्यवस्था पर भी बैठक करेंगे। 17 सितंबर को दशाश्वमेध, बता दें आपको, मेघ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। त्रिपुरा दौरा, प्रस्तावित सीएम योगी आदित्यनाथ का कितना महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है? देखिए, आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा के राजधानी अगरतला जाएंगे, जहां पे बड़काथल शांति आश्रम में एक मंदिर का कार्यक्रम है, उसके उद्घाटन का कार्यक्रम है, जहां पे सिद्धेश्वरी मंदिर का एक बड़ा मंदिर का उद्घाटन होना है। वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचेंगे, जो शांति काली आश्रम प्रमुख चित्र निरंजन देव वर्मा जो पद्मश्री हैं, हिंदू संस्कृति परंपरा और धर्म की रक्षा के खातिर उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, उन्हीं का ये कार्यक्रम है। उनके इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पे शामिल होंगे, वहां पे पूजा पाठ में शामिल होंगे और पूजा पाठ के बाद उस सिद्धदात्री जो माता का मंदिर है सिद्धेश्वरी मंदिर, उस सिद्धेश्वरी मंदिर का आज उद्घाटन हो जाएगा और एक लंबे समय से चले आ रहे प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे कई बड़े साधु संतों के बीच में शिरकत करेंगे। वहां पे शिरकत करने के बाद उन लोगों को, साधु संतों को संबोधित भी करेंगे और ये कार्यक्रम जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में आयोजित किया गया है, जहां पे सिद्धदात्री मंदिर का एक बड़ा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां वहां के बाद वो सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी में पहुंचने के बाद आज दो दिवसीय वहां पे कार्यक्रम है, रात्रि विश्राम वो वाराणसी के सर्किट हाउस में ही करेंगे और वहां पे कानून व्यवस्था को लेकर के और विकास कार्यों को लेकर के जो है समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने के बाद वो स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां पे बात करेंगे तो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और ऐसे में उस जन्मदिन को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही रहेंगे और वहां पे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहां पे सबसे पहले कार्यक्रम है दशाश्वमेध घाट जाएंगे, वहां पे स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे, वहां पे रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, उस रक्तदान शिविर के आयोजन में भी शिरकत करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम जो लोगों से वहां पे मुलाकात करेंगे, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, तमाम जगहों पे छोटे छोटे बड़े बड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पे, उन जन्मदिवस के कार्यक्रम में भी शिरकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 74 किलो का जो एक बड़ा लड्डू का भोग लगाया जाएगा बाबा विश्वनाथ को और वो 74 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में 74 किलो का लड्डू का वहां पे भोग लगाया जाएगा, उस भोग के प्रसाद के तौर पे वहां पे लोगों के बीच में बांटा जाएगा, तो उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे या फिर कह सकते हैं कि प्रमुख चेहरे के तौर पे वहां पे मौजूद रहेंगे और धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस वहां पे मनाया जाएगा। और अगर देखा जाए तो कई वहां पे जो विकास कार्य है, तमाम विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के विकास कार्य हो, राज्य सरकार के, योगी सरकार के विकास कार्य हो, उन विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इसका मिनट टू मिनट का प्रोटोकॉल अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये 2-3 जो प्रमुख कार्यक्रम है वो कार्यक्रम पहले से ही आयोजन के लिए बता दिया गया है। वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं, वहां पे तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज का जायजा ले रहे हैं और कल आज शाम से लेकर के कल तक के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। जी बिल्कुल घनश्याम, यहाँ पर विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर बैठक करेंगे सीएम, क्या लगता है और तगड़ी व्यवस्था होती हुई नजर आएगी उत्तर प्रदेश में?
क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार आयोजन भी हम देखेंगे घनश्याम की लगातार देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में कितनी कड़ी व्यवस्था यहाँ पर नजर आ सकती है। बिल्कुल, अगर बात करें तो काजल, उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक पहचान रही है, खासतौर पर अगर हम बात करें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, आप बोलिए घनश्याम, सुन पा रही हूं मैं। चलिए वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे, सहयोगी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, बड़काथल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का लोकार्पण आज सीएम करेंगे, और इसके साथ ही साथ को लेकर के, तो जब भी वो किसी भी मंडली दौरा करते हैं या फिर किसी जिले का दौरा करते हैं तो सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर के ही बातचीत करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया घनश्याम कि यहाँ पर जो बड़काथल शांति आश्रम है वहां पर जो सिद्धेश्वरी मंदिर है उसका भी सीएम उद्घाटन करेंगे। तो अगर सिद्धेश्वरी मंदिर की विशेषता की बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या है इस मंदिर की विशेषता? देखिए, एक सबसे पहली बात, इसकी भव्यता को इस बाबत आप हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पे जो शांति काली आश्रम के प्रमुख हैं वो चित्र निरंजन देव वर्मा, चित्र निरंजन देव वर्मा को पद्मश्री दिया गया है, जो सर्वे सर्वा है इस मंदिर के, सिद्धदात्री जो मंदिर है इसके सर्वे सर्वा है, और उनके जो पद्मश्री दिया गया है वो हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा और धर्म की रक्षा के लिए उनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इसी कड़ी में उन्होंने अपने इसी चीर परिचित अंदाज में उन्होंने बड़काथल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया है, और इस निर्माण में देश के तमाम साधु संत, तमाम जो बड़े लोग हैं वहां पे शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि एक प्रखर हिंदू चेहरे के नाम चेहरे से पहचाने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वहां पे एक मठ के महंत के तौर पे भी, मुख्यमंत्री के तौर पे तो है ही लेकिन एक मठ के महंत के तौर पे, एक योगी के तौर पे वहां पे शामिल होंगे, और इस जो उद्घाटन कार्यक्रम होगा, उद्घाटन सेरेमनी होगी जो सिद्धेश्वरी मंदिर है उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम देश के दूर दराज के साधु संत वहां पे शामिल हो रहे हैं, और ये महीनों से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है उसमें देश के कई बड़े चेहरे वहां पे शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने जा रहे हैं। और ये जो मंदिर है इस कोर का ये तीसरा ऐसा मंदिर है जो वहां पे उस क्षेत्र में, उस एरिए में, अगर भारत के उस क्षेत्र में बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा सिद्धि मंदिर है, जहां पे देश और दुनिया के लोग वहां पे माता का दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो एक ऐतिहासिक स्थल था, जिस ऐतिहासिक स्थल को वहां पे इस आश्रम ने उसे विकास किया, उसे बढ़ाया, उसे विकास करते हुए वो एक बड़ा भव्य रूप दिया, और आज जो है उस ऐतिहासिक जो भक्त है, माता के जो भक्त है उनको जो है सौगात आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से चल करके वहां पे देंगे, और वहां पे लोगों के साथ, साधु संतों के साथ धर्म पे बातें होंगी, संस्कृति पे बातें होंगी, भारत के जो परंपराएं हैं उस परंपरा पे बातें होंगी, और वो लोगों से मुखातिब भी होंगे, साधु संतों के साथ जो है धर्म पे चर्चा भी होगी। चलिए ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया घनश्याम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, सीएम विकास कार्य के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे, सिद्धेश्वरी मंदिर का आज लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।